बेल बजते ही आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं, राइट? पर अगर ये बेल बार बार बजने लगे तो क्या होगा? जैसे मैं ये बेल इग्नोर कर रहा हूँ, वैसे ही हमारे सेल्स भी इंसुलिन को इग्नोर करने लग जाते हैं, एंड दैट्स व्हेन वी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। और एक दिन ऐसा आता है जब अचानक से डायबिटीज आ जाता है हमारे दरवाजे पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर क्या है, ये होता क्या है और ये क्यों होता है, क्या इसमें हमारे बैड लाइफस्टाइल का हाथ है, और अगर हाँ तो हाउ डू वी सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम विद सम प्रैक्टिकल टिप्स। Let's get started. हम सबको पता है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, बट हाउ डज आवर फूड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए मेरे एक हाथ में है ग्लूकोज और मेरे दूसरे हाथ में है सेल। तो हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, बट इस ग्लूकोज को ब्लड से सेल में जाना पड़ता है ऐसे, और ये जो एक्शन है ये इसमें मदद करता है हमारा इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है, और इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में। बट मान लीजिए कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा है और हम सेल को ओवरडोज देते ही चले जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? हमारा सेल बोलेगा कि अब मुझे और नहीं चाहिए, और आप अगर फिर भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता चला जाएगा, यानी कि जो हमारे सेल्स है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे और ब्लड शुगर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब इससे दो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है। नंबर वन, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बढ़ता चला जाएगा, और नंबर टू, हमारी बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगी और मेहनत करेगी कि वो जो ब्लड का ग्लूकोज है वो सेल में जाने की कोशिश करे, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आर पैनक्रियाज। इसी को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ओवर टाइम हमारे पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर करके थक जाते हैं, और अगर पैनक्रियाज इंसुलिन ही ना प्रोड्यूस करे तो क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने लगेंगे और ये कॉन्स्टेंटली होता रहेगा जब तक, तब तक हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाती, विच इज़ कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज। बट ऐसा होता क्यों है? वाई डू आर सेल्स इग्नोर द इंसुलिन एंड डू नॉट एक्सेप्ट ब्लड ग्लूकोज इन द फर्स्ट प्लेस? वो रेजिस्टेंस बनते ही क्यों है? हार्मोनल कंडीशन, जेनेटिक्स और मेडिकेशन, ये एक प्राइमरी रीज़न हो सकते हैं, बट उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है लाइफस्टाइल। उसमें क्या क्या आता है? पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, स्ट्रेस्ड स्लीप रूटीन अगर डिस्टर्ब्ड है, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे हमारा सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है। और इंडिया में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हर दूसरे घर में आपको मिल जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन सीरियस कंडीशन की शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता अनलेस एंड अंटिल समथिंग सीरियस हैपेंस। सो हियर्स द थिंग, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को किसी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से पहले ही अगर हम डायग्नोज कर ले तो डेफिनेटली हम एक्टिवली कुछ कर सकते हैं ताकि हम उसे रोक पाए या बदल पाए। अब ये कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक आउट फॉर द साइंस। ऐसे क्या चीज़ें होगी? अगर आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा थकान होती है, खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगने लगती है, अगर विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग सकता है, फैट डिपॉजिट बढ़ने लग सकता है, स्पेशली बेली एरिया में अगर फैट बढ़ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक या अंडर आर्म में देखो एक डार्क पैचेस बन जाते हैं, थिक टाइप के लाइंस आ जाती है, स्किन टैग अचानक से अपीयर हो सकते हैं, और कुछ शुगर खाने का या हाई कार्ब फूड खाने का बहुत क्रेविंग बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आपकी उम्र 20 से ज़्यादा है, पहले मैं 30 बोलता था, बट आज के कंडीशन के हिसाब से 20 के ऊपर है, तो रूटीन चेकअप आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना ही चाहिए।
और इससे आप अवेयर रहेंगे कि आपके बॉडी में क्या कम है और क्या ज़्यादा है, एंड देन यू कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स एक्टिवली। तो ब्लड वर्क में आपको समझ गया कि मान लीजिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं। आप ऐसा क्या करें जिससे ये कंडीशन किसी सीरियस प्रॉब्लम में बढ़ने से रुक जाए, मान लीजिए अगर है तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सेल्स वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, दे हैव बिकम इंसुलिन इनसेंसिटिव या रेजिस्टेंट, राइट। तो अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें ऐसी हैबिट्स बनानी होगी जिससे हमारी सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव बन जाए, और इसके लिए हम चार ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे जिससे हो सकता है। शुरू करते हैं फूड से। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें सिंपल शुगर्स और रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना होगा, अगर आप वो ऑलरेडी अवॉइड नहीं कर रहे हो तो। एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज़ प्रोसेस्ड, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस जिसमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर्स होते हैं, पैकेज फूड जैसे कि बिस्किट, चिप्स, स्नैक्स, इनमें बहुत सारा मैदा, रिफाइंड ऑयल, शुगर और सॉल्ट होता है। सो प्लीज़ पीछे लेबल पढ़िए और देखिए कि आप क्या खरीद रहे हो और आप क्या खा रहे हो। स्ट्रीट फूड जिसके इंग्रेडिएंट्स और काइंड ऑफ कुकिंग पर आपका कंट्रोल नहीं होता, सबसे बेस्ट खाना वही है जिसके इंग्रेडिएंट्स आप कंट्रोल कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स होम कुक्ड फूड, घर का खाना। और अगर इसे भी आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाना चाहते हो तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब से आपको रिप्लेस करना है। अब सिंपल कार्ब्स मतलब क्या, जैसे आप गेहूं चावल हो गए, इसको आप रागी, बाजरा, ज्वार, अमरंथ, राजगिरा, इन सब से आप चेंज कर सकते हो। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और ये ग्लूकोज को ब्लड में धीरे धीरे जाने देता है जिससे आपके स्पाइक्स और ड्रॉप्स कम होते हैं। नंबर टू इज़ ऑलरेडी लाइक फाइबर ज़्यादा ऐड करो इन द फॉर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, सैलड्स। रीजन रिमेन्स द सेम, खाने के बाद ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होगा और एडिशनली फाइबर से बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो सेल की इंसुलिन सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब आपको हेल्दी फैट्स को भी मॉडरेशन में इंक्लूड करना है, जैसे कि वॉलनट, आलमंड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन, सनफ्लावर, कोकोनट, गुड क्वालिटी के डार्क चॉकलेट, एवोकाडो, पीनट बटर, आलमंड बटर, ये कुछ सोर्सेज हैं जिसमें अच्छा फैट होता है। इससे आपकी जो एनर्जी है वो मेंटेन रहती है, एकदम से स्पाइक या ड्रॉप्स नहीं आते हैं, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इम्प्रूव करते हैं, और ये इंसुलिन सिग्नलिंग के लिए जो हॉर्मोन्स हमारे जो जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करने में मदद करते हैं, उस पर भी इनका कंट्रोल आता है और आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होता है। अब अगला पॉइंट है प्रोटीन रिच डाइट या फिर बैलेंस डाइट। अगर आप हर मील में प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड यू कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन लाइक पनीर, टोफू, चिकपीज, राजमा, सोयाबीन चंक्स। ये सिंपल कार्ब्स की तरह इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, विच मीन्स लेस शुगर स्पाइक्स एंड मोर इंसुलिन सेंसिटिविटी इन द सेल्स। मील टाइमिंग्स, हमारे इनर क्लॉक यानी कि जो सर्केडियन रिदम के हिसाब से इंसुलिन के लेवल्स डे टाइम्स में ज़्यादा होते हैं एंड एज द सनसेट द लेवल्स ड्रॉप, इसीलिए हमें लेट नाइट मील्स या स्नैकिंग अवॉइड करनी चाहिए। हमें ड्यूरिंग द डे लाइट टाइम खाना चाहिए, मतलब सुबह सनराइज के बाद और सनसेट से पहले। इससे डाइजेशन भी ठीक होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, और आप आपके मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हो कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाओगे क्या। सो इफ़ यू कैन, डेफिनेटली यू शुड इंक्लूड दैट। और बेसिकली ईटिंग विंडो फॉलो करना है कि इतने समय में ही आप खाएंगे और बाकी टाइम आप कुछ नहीं खाएंगे। दिस शुड बी योर रेगुलर लाइफस्टाइल। इससे भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत मदद मिलती है और मैंने इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको वेट लॉस या हेल्दी वेट मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेंगे, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। अब ये हो गया फूड रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। अगर डाइट आप कितनी भी हेल्दी खा लो बट अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो वो आपको मदद नहीं करेगा। दिन में कम से कम 30-40 मिनट की एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ ट्राई करें कि आप मील्स के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, 5-10 मिनट के लिए स्लो वॉक कर ले, चाहे वो आप घर में ही क्यों ना करें बट करें। तो महाराष्ट्र में एक टर्म बोलते हैं शतपावली, मतलब 100 स्टेप्स लेने चाहिए आपको आफ्टर एवरी मील दैट यू हैव, जिससे आपका जो ग्लूकोज है वो रेगुलेट होने में मदद मिलता है। एंड एक्सरसाइज इज नोन टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो इसे बिल्कुल लाइटली मत लेना। आप मेरे साथ हैबिट में ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वी हैव अ वेरी सपोर्टिव कम्युनिटी, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर स्टे फिट। सो डाइट और एक्सरसाइज के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप।
इंसुलिन और स्लीप रेजिस्टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप एक भी दिन 6 घंटे से कम सोते हो तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस 15-20% तक बढ़ सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज अ सिंगल नाइट। और हम में से कई सारे लोग देर से सोना एक आदत बना चुके हैं, लाइक ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। सो प्लीज गेट 8-9 hours ऑफ गुड स्लीप एवरी सिंगल नाइट। गुड क्वालिटी स्लीप के लिए सबसे पहले तो बेड टाइम के 1 घंटे पहले सारे डिवाइसेस को आप टाटा बाय बाय सब कुछ बोल दो एंड इंस्टेड मेक अ पीसफुल रूटीन फॉर योरसेल्फ, लाइक मेडिटेशन, वार्म बाथ, रीडिंग, काम म्यूजिक, क्लीनिंग योर बेड, जर्नलिंग, ये सब बहुत मदद करता है। एंड गुड स्लीप इज इक्वल टू बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी। नाउ द लास्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज योर स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ऑफिस, घर, फाइनेंशियल, एकेडमिक्स या रिलेशनशिप वाला स्ट्रेस नहीं है, ये तो मेंटल स्ट्रेस है। इसे तो हम डेली मेडिटेशन, ब्रीदिंग, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस से कम कर भी सकते हैं। और मैंने स्ट्रेस पे अलग से पूरी एक यूट्यूब वीडियो बनाई है, जो आप अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट देर इज ऑल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल स्ट्रेस, जो आपकी बैड हैबिट्स की वजह से होता है। रोज देर से सोना, देर से उठना, लेट नाइट स्नैकिंग, लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहना, डिहाइड्रेशन, पुअर डाइट, पुअर पॉस्चर, ये सारी बैड हैबिट्स है जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करती है एंड इट इज इक्वली डेंजरस। तो इन हैबिट्स को छोड़ो और गुड हैबिट्स से उन्हें रिप्लेस करो। ये करने का सबसे आसान तरीका है, आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बीच बीच में अपडेट्स देते रहते हैं, रिमाइंडर्स देते रहते हैं, नई नई आदतें एक साथ बनाते रहते हैं और हैबिट के बारे में अपडेट्स हम देते रहते हैं। सो डू जॉइन दैट विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं।